हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। तो आपके पर्सन यहाँ पर किसी कार्मिक से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली, उनके कोई फ्रेंड्स या कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, तो उनके साथ अभी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कार्मिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जिनकी वजह से कर्मा ब्लॉकेज जा रहा है और वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन अभी उनका कर्मा क्लियर हुआ नहीं है, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। और आप यहाँ पर मुझे हाई वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में करियर इशू भी है, कार्मिक से भी वो डील कर रहे हैं। कुछ के पर्सन मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है उनके लिए, उनकी वजह से भी वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। आप हाई वाइब्रेशन में हो, जिसका असर आपके पर्सन पर भी हो रहा है। वो पास्ट की बातों को याद करते हैं, आप जब उनके साथ थे तो आप लोगों का रिश्ता कैसा था वो याद करते हैं। और उनको आप पर पूरा भरोसा है कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, वो जब भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ये उनको विश्वास है। लेकिन उनको थोड़ा डर लगता है कि कहीं अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप उनको अपनी लाइफ में वापस लोगे या नहीं, ये भी उनको डर भी है। लेकिन उनको पूरा आपके पर भरोसा भी है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस ले लोगे। लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा उनको ये भी लगता है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं हो गए। आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो सिंगल हैं, उनकी फैमिली और उनकी सोसाइटी का उनको डर है। उन्हें लगता है कि क्या पता उनकी फैमिली और उनकी सोसाइटी आपको स्वीकार करेगी भी या नहीं, इस वजह से भी वो खुद को रोकते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर अपने इमोशंस को दबाते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो आपकी तरफ कैसे बढ़ें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। खुद की खुशियों से ज़्यादा वो फैमिली, सोसाइटी, समाज, इसी का सोच रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते खुद को। आप में से जिन लोगों के पर्सन मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो उनकी एक कमजोरी ये भी है कि वो अपने कार्मिक को और अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। वो उनके प्रोवाइडर हैं तो उनको वो छोड़ नहीं सकते और आपकी तरफ बढ़ भी नहीं सकते। कुछ लोग मुझे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग का सेपरेशन साल दो साल से चल रहा है, आप लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं होती, कोई मिलना जुलना नहीं होता, आप लोग किसी कॉन्टैक्ट में हो ही नहीं। तो उनके लिए यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टनर है, उनकी वाइफ हो सकती है या कोई भी अदर रोमांटिक पार्टनर जो भी है उनकी लाइफ में, वो उन्हें मैनिपुलेट करती है। और कुछ लोगों की थर्ड पार्टी ने उन पर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, उन्होंने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है ताकि वो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रख सकें। आप में से कुछ लोग यहाँ मुझे ब्लॉक नज़र आ रहे हो, या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है। तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का आपके ऊपर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें लगता है कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो, वो जब भी आपकी लाइफ में आएंगे आप उनको अपनी लाइफ में वापस लोगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। और यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी और आपके बीच जगल नहीं करना चाहते, वो किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं और वो आपको ही चूज़ करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने करियर को स्टेबल करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी पर्सन से उनकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो आप उसकी वजह से आपके पर्सन को कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। वो अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हीं की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, क्योंकि वो अपने फैमिली की तरफ बढ़े, आपको छोड़ दिया। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी को चूज़ करके उनकी तरफ बढ़ गए, अपने कार्मिक्स की तरफ बढ़े हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा भी है। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो वहाँ पर स्टक हैं, क्योंकि वो वहाँ पर प्रोवाइडर हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं और आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। और वो उन्हें पूरा विश्वास है कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप वो कभी भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो वो आप उनको अपनी लाइफ में वापस लोगे। लेकिन इस वक्त उनकी यही एनर्जी कि वो अपने कार्मिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, बढ़ने का सोच रहे हैं लेकिन अभी कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, स्टक हैं वो।
लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर में यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी और आपको कमिटमेंट भी देंगे, और कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल भी उनके पर्सन का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही रीडिंग है आज की गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।